रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और कैसे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एलसीएम एचसीएफ को टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसको दो मेथड थे, एक था फैक्टराइजेशन और दूसरा था हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 तक था एचसीएफ। अब हमारा अगला जो सा टॉपिक है एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट वो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उसमें हमने फाइंड करते थे एचसीएफ, और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम किस तरह से फाइंड करेंगे, 39 x की पावर 7 y की पावर 3 और z। अब सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 39 x 7 y 3 और z 1 टाइम्स। दूसरी 91 x की पावर 5 y की पावर 6 और z की पावर 7 है, इसको फैक्टराइज करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब आप एलसीएम में क्या करना है, कॉमन भी लिखेंगे और नॉन कॉमन भी लिखेंगे। अब आप देखें इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा था और x कितने टाइम्स कॉमन आ रहा था, 5 टाइम्स कॉमन, और y 3 टाइम्स कॉमन आ रहा था, और z कितने टाइम्स, 1 टाइम्स कॉमन आ रहा था। और अब आपने क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखने हैं आपने। अब नॉन कॉमन कौन कौन से बचे थे, 3 भी बचे हैं, 7 और x 5 टाइम्स तो कॉमन हो गए थे, बाकी कितने टाइम्स बचते हैं, 2 टाइम्स बचते थे, वो 2 टाइम्स ये हो गए। y हमारे पास कितने टाइम्स बचते थे, 3 टाइम्स y बच गए थे, और z 6 z बच गए, तो वो हमने नॉन कॉमन में आ गए। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन क्या है, ये, और नॉन कॉमन वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी, ये नॉन कॉमन वैल्यू। इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से 3, ये 5 और 2 7, y की 3 और y की 3, y की 6, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। मल्टीप्लाई और बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे। ये था आपका एलसीएम। एलसीएम में आपने क्या करना है, कॉमन भी लिखना है और नॉन कॉमन फैक्टर भी आपको लिखने हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज से हमने एलसीएम फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन करके हमने एलसीएम फाइंड करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट है x² + 25x - 25x + 100 एंड x² - x - 20। पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, x² - 25x + 100। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 100, प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 25। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 100, 5x - 20x + 100। 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 प्लस करते हैं तो क्या आता है, 25, एक्स कॉमन x - 5, क्या आएगा, 20 कॉमन x - 5, x - 5 और x - 20। इसे फैक्टराइज करेंगे, x² - x - 20 मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 20 + - 10 तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 5 और 4 आएगा, x² - 5x + 4x - 20। लेकिन फैक्टराइज क्या मल्टीप्लाई करें तो 20 + - करते तो हमारे पास 1 आता है, 5 4 20, 5 में से 4 के बाकी 1, x कॉमन x - 5 4 कॉमन x - 5, x - 5 x + 4। दोनों को फैक्टराइज कर लिए। अब आप देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉमन क्या हमारे पास, x - 5। नॉन कॉमन x + x - 20 और x + 4। एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन हमारे पास क्या, x - 5, नॉन कॉमन x - 20 x + 4। ये था आपके पास एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2, सेकंड पार्ट इसका, पार्ट नंबर 2, x square
प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। सॉल्यूशन इसका एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए फोर, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए फोर, टू टू द फोर प्लस करेंगे दोनों को टू एक्स प्लस टू प्लस फोर, एक्स कॉमन एक्स प्लस टू, टू कॉमन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू। दूसरी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, लास्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए ट्वेल्व, प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए वन, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर में से देखिए बाकी हमारे पास क्या बचेगा वन, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स, टू एक्स कॉमन एक्स प्लस टू, थ्री कॉमन एक्स प्लस टू, टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब आप देख लें कॉमन फैक्टर, कॉमन हमारे पास क्या गया एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू, ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन। और नॉन कॉमन हमारे पास क्या होंगे एक्स प्लस टू ये, एक्स माइनस टू और टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री। तो एलसीएम क्या होगा इन्हें आप इकट्ठा करके लिख लें एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस थ्री। तो ये हमारे पास क्या होगा इसके, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर हो गए एक्स प्लस टू का स्क्वायर, टू टाइम्स ऐसे भी ले सकते हैं और एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस थ्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है इसका, पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर थ्री है इसका थर्ड पार्ट टू, एक्स की फोर माइनस वाई की फोर थ्री, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस टू वाई टू एक्स स्टार्ट पार्ट थ्री का टू एक्स की फोर माइनस वाई की फोर टू, इसे हम इससे ले सकते हैं एक्स की टू की टू और वाई टू की टू। फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ए की जगह पे क्या यूज है एक्स का स्क्वायर, बी की जगह पे वाई का स्क्वायर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। ये देखिए अभी भी ये मसीज सोल्व हो रहा है, ये एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, इसे फैक्टराइज किया। अब सेकंड वैल्यू थ्री, इन दोनों में से देखें क्या चीज को मन आ रही है एक्स का स्केयर, एक्स स्केयर को मन लिया बाकी यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस टू वाई, फिर इन दोनों में से वाई वाई स्केयर कॉमन ले लिया माइनस वाई स्केयर कॉमन एक्स प्लस टू वाई बचा। अच्छा एड ये दोनों सेम, एक दफा ये लिख लिया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अभी हमने लिखा एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, इस फार्मूले के जरिए एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। अच्छा अब आप देख लें इसमें से देखें कॉमन कौन कौन से हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास क्या होंगे कॉमन होंगे, ये कॉमन फैक्टर आ गए। और नॉन कॉमन हमारे पास क्या होंगे, जो नॉन कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, ये टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर थ्री एक्स प्लस टू वाई, ये हमारे पास क्या होगा नॉन कॉमन फैक्टर, ये थ्री टू सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस टू वाई। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। कॉमन हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और नॉन कॉमन हमारे पास कौन कौन से हैं,
सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई, तो फिर से लिखें आप उसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एक्स प्लस टू वाई, यानी आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखें, तो ये आंसर है। अगर मजीद करना चाहें तो कर सकते हैं, इन दोनों को एक्स स्क्वायर एक्स थ्री एक्स टू फोर माइनस वाई टू फोर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फाइव का थर्ड पार्ट, इसका जो हमसे लास्ट पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है। ये एलसीएम आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो जो आपकी डायरी होगी क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट सेकंड और क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट फोर, ये आप लोगों ने डायरी करनी है, आप भी करनी है, मुझे व्हाट्सएप करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।